जैसा कि आपने बताया गया है कि देशांतर रेखाएं और अक्षांश रेखाओं में अंतर बस यह है कि देशांतर रेखाओं में प्रत्येक रेखा रेखा का मार्ग होता है, क्योंकि देशांतर रेखा समय निर्धारित तिथि निर्धारित रेखा है और तिथि निर्धारित रेखा है, इसलिए प्रत्येक देशांतर का एक महत्व होता है, क्योंकि प्रत्येक देशांतर एक देशांतर से दूसरे देशांतर जाने में 4 मिनट का समय लगता है, जबकि अक्षांश रेखाओं में मुख्यतः 5 रेखाएं होती हैं, जैसे हमने बताया है, मुख्यतः 5 रेखाएं होती हैं जिनका महत्व है, जो कटिबंध को विभाजित करती हैं। तो देशांतर रेखाओं से संबंधित हमने 2 प्रश्न दिया है आपको, यहाँ पे आपको करके बताना है। जैसे पहला प्रश्न है कि यदि भारत में दोपहर के 1:30 बज रहे हों तो उसी समय पाकिस्तान में कितना बजेगा। अब आपको भारत का मानक देशांतर और पाकिस्तान का मानक देशांतर पता होना चाहिए। भारत का जैसे बताया गया कि भारत का मानक देशांतर कितना है, 82.5 है। भारत का मानक देशांतर 82.5 अंश है, यहाँ पे हम ब्रैकेट में पढ़ दे रहे हैं। भारत का मानक देशांतर 82 अंश पूर्वी देशांतर में, पाकिस्तान का मानक देशांतर 75 अंश पूर्वी देशांतर, बांग्लादेश का मानक देशांतर 90 अंश, यानी भारत का मानक देशांतर 82 अंश, पाकिस्तान का मानक देशांतर 75 डिग्री ईस्ट, बांग्लादेश का मानक देशांतर 90 डिग्री ईस्ट है। यानी यह जो है आपको इतना ज्ञात है, अब इसके आधार पे आपको यहाँ का समय बताना है। यह क्वेश्चन दोनों आप करके हमको व्हाट्सएप के माध्यम से उसकी सूचना दीजिएगा कि आपकी क्या पोजीशन है, आपने कितना क्वेश्चन किया, क्या किया है, तो हिसाब से हम जो इसका कलेक्शन कराएंगे। तो इन देशांतरों का आप जो है इसी हिसाब से हम कई क्वेश्चन बना सकते हैं। इसी हिसाब से हम चाहे तो नेपाल का बना सकते हैं, श्रीलंका का बना सकते हैं। देशांतर मालूम होना चाहिए किसका कितना देशांतर है। अब इसमें एक आपके क्वेश्चन और बनते हैं जो हम लोग व्हाट्सएप के माध्यम से आपको भेज देंगे, और आप कुछ नहीं करना है, व्हाट्सएप के ही माध्यम से आपको ये क्वेश्चन भेज देंगे कि कितना देशांतर में क्या करना है। तो 2-4 क्वेश्चन और बनाएंगे हम आपको भेजेंगे, उसके बाद आप जो है अगला आगे पढ़ेंगे इसी पाठ में। धन्यवाद।